नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR NET पार्ट ए। तो पार्ट ए में दोस्तों आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पार्ट ए जो है वो मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, आर्ट साइंस और लाइफ साइंस, ये 5 पेपर के लिए कॉमन है। तो टोटल पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, तो 15 × 2 हो गया 30 मार्क्स। तो CSIR NET में अच्छा स्कोर करने के लिए ये 30 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके टोटल स्कोर को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस पार्ट ए को इग्नोर ना करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, और बहुत ही कम टाइम में इसको प्रिपेयर करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो इस पार्ट ए को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो एटलीस्ट आप 24 मार्क्स तो श्योर स्कोर कर लेंगे आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं CSIR NET पार्ट ए का सिलेबस। तो पार्ट ए के सिलेबस में नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर 3 एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर 4 मेंशुरेशन एंड क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस, नंबर 5 सीरीज फॉर्मेशन एंड नंबर 6 एवरेज एंड मॉनेटरी प्रॉब्लम्स। ये 6 टॉपिक्स हैं। तो अभी देखते हैं बेस्ट बुक फॉर प्रिपेयरिंग CSIR NET पार्ट ए। तो फ्रेंड्स, CSIR NET पार्ट ए के प्रिपरेशन के लिए मैं ये बुक आपको सजेस्ट करूँगा। ये बुक आप इजीली परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। मैंने ये बुक फ्लिपकार्ट से परचेस किया था करीबन 380 रुपीज़ में। ये बुक है CSIR NET जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यू आउटलुक बाय क्रिस्टी वर्गीस। वैसे तो मार्केट में कई सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ये बुक्स जो है पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बुक पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये बुक सबके लिए हेल्पफुल है, जो लोग मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, आर्ट साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस बुक में बहुत कुछ अवेलेबल है। चलिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इस बुक में क्या क्या मिलेगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को इस बुक में 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल टाइप प्रॉब्लम्स, लॉजिकल रीजनिंग, टिपिकल प्रॉब्लम्स एंड आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम। ये आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम में जनरल साइंस लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे CSIR NET के सिलेबस में ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से दिखा गया है कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये पूरा ये सिलेबस इन लोग ने कवर किया हुआ है। पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। एक एक चैप्टर के बाद इन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे कि नंबर्स चैप्टर है, चैप्टर 1, तो सबसे पहले इन लोग ने नंबर्स चैप्टर को पूरे अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद इसका रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपको 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जहाँ पे हर क्वेश्चन पेपर का मिलेगा। मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, आर्ट साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, सबका मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपको 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको दिखाऊँ, तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर जो है उन्होंने पूरा बेसिक से पूरा डिस्कस किया हुआ है, बेसिक से पूरा अच्छे तरीके से। इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद देखिए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स चेक करने का शॉर्ट ट्रिक है इधर पे मैं अवेलेबल है। कंपोजिट नंबर, डिविजिबिलिटी चेक करने का जो शॉर्ट ट्रिक है, ये सब भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो एकदम अच्छे से सब डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद देखिए हर चैप्टर के बाद, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये चैप्टर ख़त्म हो गया नंबर्स इधर पे, और यहाँ से प्रीवियस ईयर का सॉल्व प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन शुरू हो गया। देखिए ये CSIR NET जून 2017 का, ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। देखिए सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, एक ही मेथड से नहीं किया, 2 मेथड से उन्होंने सॉल्व किया, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ऐसे ही ये बुक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है आपके CSIR NET पार्ट ए के प्रिपरेशन के लिए। तो इस बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपको एटलीस्ट 30 में से 24 मार्क्स तो श्योर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।